किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह का किरदार होगा आपका? क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि सभी ने वाइट कपड़े पहने हैं, वीडियो दिख रहे हैं, लेकिन आपने मांग में सिंदूर कराया। मेरे इश्क का रंग बहुत रंगीन है। सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगी आप सभी को। मेरा नाम काजल निषाद है और मैं नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री और पेंटर सभी हूँ, ऑल इन वन, क्योंकि शिव के आशीर्वाद से ये सब है। शिव की बहुत बड़ी दीवानी हूँ, बहुत बड़ी भक्त हूँ। शिव को मैं अपना बॉयफ्रेंड समझती हूँ और मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। और मेरे इश्क का रंग ब्लू होगा क्योंकि शिव ब्लू दिखता है। मेरे किरदार का नाम है कनक त्रिपाठी, जो कि दशरथ त्रिपाठी की बहू बनी है और बहुत ही सजती धजती रहती है। और कनक नाम है, कनक मतलब सोना, तो सोना भी बहुत अच्छे से पहनती रहती है और दुनिया भर का खुद ही पहन लेती है, पूरे बनारस का। और बहुत दबदबा है इसका, सबको दबा के रखती है, किसी को ऊंची आवाज़ में बात नहीं करने देती और ख़ुद सबसे ऊंची आवाज़ में बात करती है। पति को तो बिल्कुल भाव नहीं पूछती है और ससुर को बहुत पसंद करती है क्योंकि उनको लगता है कि ससुर के नक्शे कदम पर चलना ही अच्छा होगा। ये किरदार है। अच्छा, एक तरफ कनक है और एक तरफ ईशा का जो किरदार है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, कैसे मैसेज देगा ये ऑडियंस को? जी, धानी को देख के लोगों को लगेगा कि इनका इश्क का रंग सफ़ेद है, लेकिन हमको देख के लगेगा कि इनके इश्क का रंग तो बहुत ही रंगीन है। तो धानी जो है वो बहुत ही सिंपल बताई गई है, छोटी उम्र में विधवा बन गई है। और मेरा और उनका तो बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनके किरदार में और मेरे किरदार में। तो वो सिंपल रहती है, अच्छे से रहती है, चुपचाप रहती है। मैं सिंपल बिल्कुल नहीं रहती हूँ, अच्छे से बिल्कुल नहीं रहती हूँ, और चुपचाप तो मैं बिल्कुल नहीं रहती। अच्छा, इस शो की क्या